नमस्कार मित्रों। मित्रों, एक गरीब व्यक्ति था। एक दिन वह राजा के पास गया और बोला, हे महाराज, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। कृपया आप मुझे 5,000 रुपए दे दें, मैं 5 वर्ष के अंदर आपके रुपए वापस कर दूंगा। राजा ने उसकी बात पर विश्वास करके उसे 5,000 रुपए दे दिए। 5 वर्ष बीत गए। जब उस व्यक्ति ने राजा के 5,000 रुपए नहीं लौटाए, तब राजा को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा, लेकिन वहां वह व्यक्ति नहीं मिला। जब भी राजा वहां जाता, बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया जाता। एक दिन फिर राजा उस व्यक्ति के घर गया, वहां और कोई नहीं दिखा। एक छोटी लड़की बैठी थी। राजा ने उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। राजा के समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसलिए वो फिर पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली, माँ 1 से 2 करने गई है। राजा उसके इन उलझुल जवाब से खींच गया। वह गुस्से में पूछता है, और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। राजा समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए उसे अब इससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बतियाना पड़ेगा। राजा ने चेहरे पर प्यार से मुस्कान लाकर पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए, उनका क्या मतलब है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका। तुम मुझे सीधे सीधे उनका मतलब समझाओ। लड़की ने भी मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूंगी तो आप मुझे क्या देंगे? राजा के मन में सारी बातों को जानने की तीव्र इच्छा थी। वह बोले, जो मांगोगी वही दूंगा। तब लड़की बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूं। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का अर्थ समझा दो। लड़की बोली, हे महाराज, आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपा करके आप कल आए, कल मैं जरूर बता दूंगी। राजा अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर गया। आज वहां सभी लोग मौजूद थे। वह आदमी, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी भी। राजा को देखते ही लड़की पूछने लगी, महाराज, आपको अपना वचन याद है ना? राजा बोला, हाँ, मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने ये कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को बना रहे थे, यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का अर्थ यही है। अब दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वे रेंगनी के कांटे काटने गए थे। अगर कोई भी रेंगनी के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में जहां तहां कांटा गढ़ ही जाएगा, यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचे आएंगी। राजा उसकी बातों से सहमत हो गया। वह मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। उसने उत्सुकता के साथ पूछा, और तीसरी और चौथी बात का मतलब क्या है?
लड़की बोली, महाराज तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ एक से दो करने गई है। इसका मतलब था कि माँ अरहर दाल को पीसने यानी उसे एक का दो करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो एक दाना का दो भाग हो जाता है, यानी यही था एक का दो करना। रही चौथी बात, तो उस समय मैं भात बना रही थी और उसमें से एक चावल निकाल कर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है कि नहीं। इसका मतलब है कि मैं एक चावल देखकर ही जान सकती हूँ कि पूरा चावल पका है कि नहीं, अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैठे ही देख रही थी। ये कहकर लड़की चुप हो गई। अब राजा सारी बातों का अर्थ जान ही चुका था। उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया था। फिर राजा ने कहा, बेटी तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई कि ये सारी बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया। लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो भात गीला हो जाता या जल जाता तो माँ मुझे जरूर पीटती। फिर घर में कल कोई भी नहीं था। अगर मैं इनको बताती कि आपने कर्ज माफ कर दिया है तो मेरी बात का कोई भी विश्वास नहीं करता। तो मित्रों, इस छोटी सी बच्ची की बातों से कितनी चतुराई झलकती है। मित्रों, इसकी बातों में सच्चाई तो है। साथियों, आप क्या सोच रहे हैं इस कहानी के बारे में मुझे कमेंट में बताइए, और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।